हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप वीडियो में। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जो मैं टिप्पणी के माध्यम से आप लोगों को याद कराऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ की जो बायोलॉजी है उसमें बारहवीं की वंशाकृति है उसके बारे में बताऊंगा। कलर ब्लाइंडनेस यानी मानव में पाया जाने वाला सेक्स लिंकेज कैरेक्टर है और यह एक अप्रभावी जीन के कारण होने वाला आनुवंशिक रोग है। इस अप्रभावी जीन की प्रेजेंट के कारण यानी उपस्थिति के कारण मानव लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, इस आनुवंशिक रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। नोट, कलर ब्लाइंडनेस मानव को रेलवे और शिप यानी जहाज आदि का ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि यह व्यक्ति लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति का वर्णन सबसे पहले सन 1876 में हॉर्नर ने किया था। उसके बाद यहाँ पे है हीमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक कलर ब्लाइंडनेस की तरह सेक्स लिंकेज डिसीज है। यह डिसीज एक्स लिंकेज क्रोमोसोम के कारण मानव में हो जाती है। हीमोफीलिया से ग्रसित मानव में किसी कारणवश चोट लग जाने से ब्लड का बहना लगातार बना रहता है, अर्थात ब्लड बहुत धीमी गति से जमता है यानी क्लॉट है। इसलिए हीमोफीलिया की रुधिर स्राव रोग ब्लीडर डिसीज कहते हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में थर्मोप्लेस्टिन नामक प्रोटीन का अभाव होता है और उसके बाद यहाँ पे यह प्रोटीन ब्लड में जमने में सहायक होती है। यह प्रोटीन जो होती है ब्लड के जमने में सहायक होती है, अतः इसलिए हीमोफीलिया के मानव में आसानी से ब्लड नहीं जमता। नोट, हीमोफीलिया की वंशागति को सबसे पहले हेल्डन नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और इस रोग को सबसे पहले बार्टन की महारानी क्वीन बैक्टीरिया फैमिली में खोजा गया था। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन जीनोटाइप। नॉर्मल मैन में एक्स वाई जीनोटाइप होता है और हीमोफीलिया मैन में एक्स और एक्स ड्रॉप वाई होता है इसका जीनोटाइप। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मानव में आनुवंशिक व्यक्तिक्रम के माध्यम से जो होते हैं मानव में जेनेटिक डिसीज की वंशागति मानव में पाए जाने वाले जीन के परिवर्तन होने के कारण होती है। यह मानव में मैनली निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, रंजकहीनता अल्बिनिज्म, इसको रंजकहीनता कहते हैं। उसके बाद एल कैप्टोन्यूरिया है, फेनिल थायो कार्बोमाइड है, सिकल सेल एनीमिया है, फेनिल कीटोन्यूरिया है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, पहले इसे अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता देख लेते हैं ये किस कारण होता है। नंबर एक है हेडिंग अल्बिनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 12th के एग्जाम दिए उसमें तो आया था, आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता, अन्य स्तनधारियों की तरह मानव में त्वचा बाल तथा आँखों की पुतलियों का रंग मेलानिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, अतः मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा सफ़ेद, बाल सफ़ेद तथा पुतलियां गुलाबी या लाल सी दिखाई देती हैं। इस अवस्था को अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता कहते हैं। शरीर में मेलानिन का निर्माण टायरोसिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है और यह एंजाइम प्रभावी जीन के प्रभाव से बनता है और इस जीन का साथी अप्रभावी जीन होता है और इस अप्रभावी जीन के कारण अल्बिनिज्म का उन व्यक्तियों में अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता रोग पाया जाता है जिसके दोनों जीन अप्रभावी होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक नोट पॉइंट हल्का सा है कि मानव प्रजाति में 20,000 लोगों में से केवल एक व्यक्ति में अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।